नमस्कार मेरे प्यारे रेल प्रेमियों, मैं अभय स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में यूज होने वाले हर एक लोकोमोटिव के हर एक डिजाइन को आपने अच्छी तरह देखा होगा। हर लोकोमोटिव को अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग स्टाइलिंग कलरिंग से अलग बनाया गया है। पर क्या कभी आपने ये चीज नोटिस की कि लोकोमोटिव के डिजाइन कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, सारे लोकोमोटिव में यूज होने वाले लाइट्स यानी लोकोमोटिव पर जितने भी लैंप्स का यूज किया गया है, भले ही उनकी पोजीशन अलग अलग क्यों ना हो, पर उन सभी का पैटर्न एक ही होता है। तो ऐसा क्यों? क्या ये लाइटिंग के साथ साथ किसी और पर्पस में भी यूज होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इस हर एक लाइट का एक इंडिकेशन है, एक मीनिंग है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, इस रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। तो दोस्तों, लोकोमोटिव में यूज होने वाले लाइट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर एक हेडलाइट, नंबर दो फ्लैशर लाइट और नंबर तीन मार्कर लाइट्स। तो पहले बात करते हैं हेडलाइट्स के बारे में। इंडियन रेलवे के हर लोकोमोटिव को दो लाइट्स के एक सेट की हेडलाइट होती है। ये हेडलाइट लोकोमोटिव के रूफ लेवल पर या कुछ लोकोमोटिव के मिडल लेवल पर फिक्स्ड होते हैं। रात के वक्त दूर तक अच्छी तरह विजिबिलिटी मिले, इसलिए हेडलाइट्स का मेन यूज किया जाता है। ये हेडलाइट्स जरूरत के हिसाब से डिम भी किए जा सकते हैं। ये तो हुआ हेडलाइट्स के बारे में। अब जानते हैं फ्लैशर लाइट के बारे में। ये लाइट ज्यादातर हेडलाइट्स के आसपास या मोस्ट कॉमनली रूफ लेवल में राइट साइड पे फिक्स्ड होती है। ये लाइट येलो कलर की लाइट डिस्प्ले करती है। ये फ्लैशर लाइट इमरजेंसी कंडीशंस में और कुछ खास कंडीशंस के लिए ही यूज की जाती है। ये लाइट कंटिन्यूअसली फ्लिकर करती हुई ग्लो होती है। जब भी कभी ये लाइट लोको पायलट द्वारा ऑन की जाती है, तो उस ट्रेन के साथ कुछ दुर्घटना हुई है या फिर उस ट्रेन को मदद की जरूरत है, ऐसा माना जाता है। जब भी एक ट्रेन सामने से आने वाले ट्रेन की फ्लैशर लाइट ऑन देखे, तब उस ट्रेन को फ्लैशर लाइट दिखाने वाले ट्रेन से पहले ही ट्रेन को रोकना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करने की भी परमिशन लोको पायलट्स को होती है। ड्यूअल ट्रैक्स के लोकेशन पर साइड वाले ट्रैक्स पर लोको पायलट कुछ गड़बड़ी को नोटिस करते हैं, तब उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को रोकने के लिए फ्लैशर लाइट का यूज किया जाता है। अब जानते हैं तीसरे टाइप यानी मार्कर लाइट्स के बारे में। मार्कर लाइट्स हर लोकोमोटिव में दोनों बफर्स के एग्जैक्ट ऊपर होते हैं। दोनों साइड में दो दो लाइट्स का एक सेट होता है, जिसमें एक लैंप व्हाइट और दूसरा लैंप रेड लाइट दिखाता है। एक तो ये दो लाइट्स का सेट होता है, नहीं तो सिंगल लैंप जो व्हाइट और रेड दोनों लाइट्स दिखाता है, उसका यूज किया जाता है। इसका सबसे आसान यूज ये है, जब भी लोकोमोटिव बिना रैक्स के ट्रैक्स पर चल रहा होता है, तब इस लाइट द्वारा वो लोकोमोटिव हमारी तरफ आ रहा है या फिर जा रहा है, ये पता लगाया जा सकता है। मतलब जब भी हम दूर से देखें और मार्कर लाइट हमें व्हाइट दिखे, तो इसका मतलब लोकोमोटिव हमारी तरफ आ रहा है। और अगर उसकी मार्कर लाइट रेड है, तो वो लोकोमोटिव हमसे दूर जा रहा होता है। इन शॉर्ट, लोकोमोटिव जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उस साइड की मार्कर लाइट व्हाइट ग्लो करती है और दूसरी साइड रेड लाइट ग्लो करती है। दिन में उजाले की वजह से मार्कर लाइट इतनी इफेक्टिव तरीके से दूर से विजिबल नहीं हो पाती, पर रात के वक्त लोकोमोटिव के डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मार्कर लाइट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। तो इस तरह लोकोमोटिव पर लगी हर एक लाइट कुछ ना कुछ इंडिकेशन और एप्लीकेशन के काम आती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इस स्टेशन पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले स्टेशन पर एक नई टॉपिक।